प्यारे बच्चों कैसे हो? अच्छे हो अच्छे हैं। बच्चों। आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 गणित अध्याय। इसमें रहेगा आठवां और अध्याय का नाम है बच्चों बीजीय व्यंजक और सर्व समीकरण। तो इससे पहले हम 8.1 और 2 कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं की ना तो वीडियो में यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, उसको आप दबा के वो वीडियो देख सकते हो बच्चों। तो आज हम करते हैं 8.3। तो 8.3 में क्या करना है बच्चों हमने, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। हमने क्या करना है बच्चों, अब जो पद दिए गए हैं विजय व्यंजक दिए गए हैं उनको गुणा करनी है। क्या करनी है? गुणा। तो इसका आंसर देखें, उत्तर हम करते हैं इसका, कहाँ गया ये। अब इस प्रश्न में देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट है जैसे आपके पास। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा इसने, 4p को गुणा करना है हमने किसो क्यू प्लस आर से, क्यू प्लस आर। तो इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, क्यू प्लस आर को हमने ब्रैकेट के बीच में लिखना है, ठीक है। तो क्योंकि ये जमा है बीच में और 4p को हमने क्यू से भी गुणा करना है आर से भी, इसलिए हम ब्रैकेट के बाहर रख लेते हैं। जब हमने दो या तीन चीजों को इकट्ठे गुणा करना होता है ना, तो उसको हम इसको ब्रैकेट में रख लिया हमने। अब इसका मतलब यह है बच्चों कि 4p जो है, 4p है जो हमारे पास, इसको हमने क्यू से भी गुणा करना है और आर से भी गुणा करना है, ठीक है। तो पहले 4p को क्यू से करेंगे, तो हम लिखेंगे 4pq, या 4p गुणा क्यू लिखोगे आप तो उसको बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा है बीच में। और फिर ये जमा आएगा, ये वाला चिन्ह जमा, ये 4p को r से करना है, तो 4pr, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे तो आसान है। तो जैसे ए बी है, ए बी को हमने गुणा करना है किसे, ए माइनस बी से, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एक पद है बच्चों और ये दो पद हैं, ठीक है। जब एक पद को दो पदों से गुणा करते हैं तो हम ऐसे ही करेंगे। अब ए बी को हमने पहले ए से करना, फिर ए बी को बी से करना, और जो बीच में चिन्ह है उसको चिन्ह वही लगाना है हमने, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ए बी और गुना ए, लिख लो आप चाहे ए बी गुना ए, फिर ए बी गुना माइनस बी, यानी ये चिन्ह आप पहले लगा सकते हो, माइनस ए बी गुना बी। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये चिन्ह माइनस का है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो ए गुना ए क्या होता है, ए की शक्ति 2, तो ये आ जाएगा ए की शक्ति 2b, ठीक है। और ये माइनस, अब ए और बी गुना बी, बी की शक्ति 2, तो ये आपका आंसर आ गया है बच्चों, ठीक है। तो आप यहाँ पे बराबर लगा सकते हो, कर लिया है दो पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या है इसमें देखिए, ए जमा बी को किससे गुणा करना है, 7a की 2 b की 2 से। अब वैसे ही, अब ये एक पद है और ये अंदर दो पद हैं, तो बाहर जो एक पद है उसको अंदर वाले दोनों पदों से गुणा करेंगे। तो ये 7a की 2 b की 2 को a से गुणा करेंगे, तो ये हम लिखेंगे 7a की 2 b की 2 गुणा ए, फिर हम जमा लिखेंगे, इसको इस बी से करेंगे आप, 7a की 2 b की 2 गुणा बी। और ये बीच में जमा क्यों डाला, क्योंकि यहां जमा है, ठीक है। अब ये देखिए, ए की 2 गुणा a की 1, तो a की 3 हो जाएगी, तो यहां आ जाएगी 7a की 3 b की 2, फिर जमा 7a की 2 और ये b की 3 हो गई, ठीक है।
तो ये आपका आंसर है बच्चों। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट करेंगे, तो एक ही दो माइनस नौ को गुणा करना है हमें 4a से। किससे करना है? 4a से करना है। तो 4a को इससे गुणा करेंगे, क्या आएगा बच्चों? 4a की 3। इकट्ठी लिख दो, गुणा करें तो गुणा कर देते हैं। चलो एक ही दो गुणा 4a माइनस नौ गुणा 4a, ठीक है? तो ये एक ही दो और एक ही 3, तो ये आ जाएगा बच्चों 4a की 3 माइनस नौ चौके 36a। तो ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है? फिर पांचवा पार्ट है, ये भी कर लेते हैं, यहां पे कर दें। इसमें देखो PQ प्लस QR प्लस RQ, PQ, ठीक है? पांचवा पार्ट है ये, PQ प्लस QR प्लस RP को गुणा करना है 0 से। 0 है बच्चे ये, ठीक है? अब ये देखो, जब 0 किसी से भी गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0। तो इसका आंसर आप लिखोगे 0, ठीक है? क्योंकि 0 को आपने PQ से भी गुणा करना, QR से भी, RP से भी, तो ये सभी 0 हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है बच्चे, कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, सारणी पूरा कीजिए, यानी दूसरा प्रश्न जो है उसमें हमने सारणी करनी है पूरी। तो इसको देखिए, हमने ए को इन तीनों से गुणा करना है। ए को इन से गुणा करेंगे तो ए बी जमा ए सी जमा ए डी, लिख लो इसका आंसर। ए बी जमा ए सी जमा ए डी, ठीक है? फिर है 5xy को इन तीनों से गुणा करना, तो 5x की 2y आएगा पहले, तो 5x की 2y, फिर 5xy की 2 जमा 5xy की 2 और माइनस 25xy माइनस 25। फिर उसके बाद पी को इन तीनों से गुणा करना बच्चों, 6p की 3, 6p की 3 माइनस 7p की 2 और जमा 5p। फिर है इसको इससे गुणा करेंगे पी स्क्वायर से पहले, तो ये पी की 4 हो जाएगी। तो 4p की 4, 4p की 4, q की 2। फिर ऐसे ही क्यू स्क्वायर को माइनस क्यू स्क्वायर से इसको करेंगे तो क्यू की 4 हो जाएगी, तो ये माइनस आएगा, माइनस 4p² q की 4। फिर ऐसे ही ए बी सी को इसमें करेंगे, तो पहले ए की पावर 2 हो जाएगी, फिर बी की पावर 2 हो जाएगी, फिर सी की पावर 2। तो यहाँ आ जाएगी ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। तो ये सारणी कंप्लीट हो चुकी है, ऐसे कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? ये गुणन फल ज्ञात कीजिए। तो ये दी गई है हमें, इनकी गुणा करनी है, गुणन फल ज्ञात करना है। तो फर्स्ट पार्ट है जैसे आपके पास, ए की 2 गुणा 2 ए की 22 गुणा 4a की 26, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब ये देखो, a है a है a है, तो जब आधार बराबर होता है और गुणा में होती है तो बीजीय व्यंजक, तो उनकी शक्तियां जुड़ जाती हैं बच्चों। और 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, लिख लें पहले 8, a की शक्ति हम लिखेंगे 2 जमा 22 जमा 26, तो कितना आएगा? 8, ए की शक्ति कितनी आ जाएगी बच्चों? 24 और 26,
24 और 26 कितने होते हैं? 50 होते हैं। तो ए की शक्ति 50 आंसर है आपका, 8 ए की शक्ति 50। ठीक है, अब बी पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है, इसमें देखिए 2/3 एक्स वाई गुना माइनस 9/10 एक्स की शक्ति 2 वाई की शक्ति 2। ठीक है, अब हम गुणांक जो है यानी गिनती की संख्याएं जो है उनको आपस में गुणा करेंगे और x को x से गुणा करेंगे, y को y से। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 गुणा ये करें तो ये माइनस है बच्चों, एक बार तो एक बार बाहर आ जाएगा माइनस, तो माइनस 2/3 है ये गुणा 9/10 फिर गुणा x गुणा x की शक्ति 2, x की शक्ति 3 होगी, y गुणा y की 2, y की 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं हम, 2 × 1 = 2 होते हैं, 2 × 5 = 10 होते हैं, फिर है 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 होते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस 3/5 रहेगा यहाँ पे, माइनस 3/5 एक्स की शक्ति 3 वाई की शक्ति 3। तो ये आंसर है बच्चों, 3 वाई की शक्ति 3। ठीक है, तो ये आंसर है आपके पास ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कहता है ये, माइनस 10/3 माइनस, ये है तीसरा पार्ट लिख लो पहले इसको, माइनस 10/3 पी क्यू की शक्ति 3 गुणा 6/5 पी की 3 क्यू। ठीक है, तो ऐसे ही 10/3 को 6/5 से पहले गुणा करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 10/3 गुणा 6/5। ठीक है, और पी गुणा पी की 3 पी की 4 क्यू की 3 गुणा क्यू क्यू की 4, तो ये आ जाएगा पी की 4 क्यू की 4, तो ये आ जाएगा बच्चों, इसको भी काट दो, 5 × 10 3 × 6 तो 2 × 4 और माइनस का आएगा माइनस 4 पी की 4 क्यू की 4, तो ये आपका बच्चों आंसर है। ठीक है, अब एक फोर्थ पार्ट रह गया, ये भी कर लेते हैं, यहाँ पे फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। देखो x गुना x की शक्ति 2 गुना x की शक्ति 3 गुना x की शक्ति 4। अब सब में x है, देखो आधार बेस सब में x है, तो इनकी पावर्स ऐड कर दें तो हमारे हम लिखेंगे बच्चों x की शक्ति 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, तो क्या आएगा बच्चों x की शक्ति 10। वेरी गुड, x की शक्ति 10, तो ये आंसर है आपका फोर्थ पार्ट का। तो इसे कर दीजिए, आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है ये कह रहा कि 3x = 4x − 5 + 3 है ये बीजीय व्यंजक दिया गया है, को सरल कीजिए, इसको सरल करना है और इसमें x का मान 3 रखना है और x का मान 1/3 भी रखना है, के लिए इसका मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, इसको सरल करना और इसका मान ज्ञात करें, तो चौथे का उत्तर करें भाई, चौथे का ए पार्ट है। तो हमारे पास है जैसे 3x = 4x − 5 + 3, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले सरल करें। सरल करने का मतलब है 3x को इन अंदर गुणा करेंगे पहले दोनों को, तो 3 × 4 तो ये हम लिख सकते हैं 12 एक्स की शक्ति 2 एक्स गुणा एक्स एक्स की शक्ति 2, फिर 3x को -5 से भी गुणा करना आपने,
तो 5 3 15 माइनस 15 और x भी है ये, माइनस 15 एक्स और जमा ये 3 भी है बच्चों बाहर, एक अलग से जमा 3 अलग से है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया है। अब ये कह रहा है कि x का मान 3 रखें और x का मान 1/2 भी लिखें इसमें। तो जब हम x बराबर 3 लेते हैं, x बराबर 3, तो जहां जहां भी x है ना वहां वहां पे हमने 3 लिखना है, ठीक है, जैसे भी है। तो हम लिखेंगे 12 गुणा 3 की पावर 2, फिर माइनस 15 गुणा 3, फिर जमा 3, ठीक है। जहां भी x है x का मान 3 रख दिया, तो ये 3 गुणा 3 9 होते हैं, 9 गुणा 12 12 नीम में 108 होते हैं बच्चों। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 नीम में 108, फिर माइनस 15 3 जमा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 45 माइनस के हैं 3 और 108 जमा के हैं, तो 108 में 3 जोड़ेंगे तो 111 आ जाएगा। 111 में से 45 को घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, करो आप बताएं घटा के, 111 में से 45 को घटाएं, इतना मैं सेकंड पार्ट करता हूं। तो बी पार्ट है, जल्दी से बताएं, 111 में से 45 को घटाएं, 64, 111 में से 45 को घटा के 64 आएगा, 66 आता होगा, 66 ये आंसर है, ठीक है। अब हमने x का मान ये भी रखना है 1/2, x का मान जैसे x का मान 3 रखा ना वैसे ही x का मान 1/2 भी लिखें। तो सेकंड पार्ट में देखें, x बराबर 1/2, जब x को 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे x की जगह 1/2 लिखना बच्चों, 12 गुणा 1/2 का स्क्वायर, x की जगह पे हमने 1/2 लिखा, फिर माइनस 15 गुणा 1/2 x की जगह पे 1/2, फिर जमा 3, तो ये क्या आएगा, देखो देखो बच्चों क्या आएगा, दिक्कत है कोई है, कोई समस्या है क्या? हाँ ठीक है ना, चलो अब ये देखिए क्या आएगा, 1/4, 1 की शक्ति 2 होता है 1, 1 गुणा 1 1 ही होता है, 2 गुणा 2 4, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 12 गुणा 1/4 माइनस 15/2 ही लिख लेते हैं इसको, जमा 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप काट लो इसको, 4 3 12 होते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों 3 माइनस 15/2 जमा 3, ठीक है। तो ये 3 जमा 3 6 हो गए, क्या हो गया बच्चों, 6 माइनस 15/2, तो 6/1 कर सकते हो आप, और नीचे लघुत्तम आ जाएगा आपके पास 2, तो 6 × 12 − 15, तो क्या है बच्चों, −3/2, तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों। ये 2 पार्ट आ गए, पहले पार्ट के 2 आंसर आ गए आपके पास, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे ऐसे ही, अब आ गया बच्चों सेकंड पार्ट इसी का, चौथे का, तो 4 का B पार्ट करेंगे अब हम ये। तो इसमें देखिए इसका उत्तर, हाँ तो ये इसमें सरल करना है, A का मान 0 रखना, 1 भी रखना और −1। अब A के मान 3 बार दिए गए हैं, तो इसमें देखिए, तो ये है A, A की शक्ति 2 जमा A जमा 1, तो A को पहले हम अंदर ब्रैकेट के अंदर सभी से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा, और जमा 5 भी है बच्चों बाहर, तो A की शक्ति 3
जमा ए की शक्ति दो जमा ए जमा पांच, ठीक है। ये आ गया हमारे पास बीजीय व्यंजक सॉल्व करके, सरल करके। अब हम रखेंगे पहले पार्ट में ए बराबर जब जीरो है तो हम क्या रखेंगे, एक ही जगह जीरो लिख देंगे, तो यह आ जाएगा जीरो जमा जीरो जमा जीरो जमा पांच, तो पांच आंसर आ जाएगा बच्चों आपका। ऐसे ही सेकंड पार्ट में करेंगे, जल्दी से करें थोड़ा। ए बराबर क्या रखेंगे, एक, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, एक ही जगह पे हमने एक लिखना है अब, तो ये आ जाएगा एक ही एक की तीन जमा एक की दो जमा एक जमा पांच, तो ये क्या आएगा बच्चों, एक की शक्ति तीन एक ही होता है, ये भी एक है, एक जमा एक तीन जमा पांच, तीन जमा पांच बराबर आठ आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आंसर आ गया बच्चों। फिर थर्ड पार्ट में करेंगे, एक बराबर माइनस एक लिखना है, ए का मान माइनस एक लिखना है अब, तो माइनस एक की पावर तीन है और जमा माइनस एक की पावर दो माइनस एक जमा पांच, यानी जहां भी ए था वहां पे हमने माइनस एक लिखना है। अब माइनस एक की पावर तीन जो होती है बच्चों वो माइनस एक ही होता है, माइनस एक, और ये माइनस एक की पावर जब दो होती है, चार होती है, छह होती है, तो वो जम हो जाता है, तो ये जमा एक और ये माइनस एक ही है, जमा पांच है, तो क्या आएगा बच्चों, माइनस एक से एक जमा एक कट जाएगा, माइनस एक जमा पांच, माइनस एक जमा पांच चार आएगा आंसर जमा का, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर चार का बी पार्ट पूरा हो चुका है, कर लीजिए इसे। आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर पांच, तो क्वेश्चन नंबर पांच समझिए कैसे करना है, तो पांचवा पार्ट है, इसको जोड़िए, यानी इनको आपस में जोड़ना है, तो पहले इनको गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे बच्चों। तो पांचवे का उत्तर देखें, यहाँ पे ए पार्ट है, तो ये देखिए पी पी माइनस क्यू, ठीक है, और दूसरा है आपके पास क्यू क्यू माइनस आर, और तीसरा है आर आर माइनस पी, ठीक है। अब P को पहले इन दोनों से अंदर गुणा करना है बच्चों, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, फिर इनको जोड़ना भी है तो मैं जोड़ भी देता हूं, जमा लिखना है क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, क्यू को R से करेंगे तो माइनस भी है बीच में, तो फिर जमा R को R से R स्क्वायर माइनस आर पी, ठीक है। तो अब हम इनको लिख देंगे बच्चों, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। फिर जो बाकी बच गया इनको भी लिख दें, पी क्यू क्यू आर और आर पी, माइनस में है सभी, माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, तो ये आपका आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम कर लेते हैं सी पार्ट, अच्छा बी भी है, चलो बी कर लेते हैं, बी पार्ट, ठीक है। तो ये देखिए दो एक्स किससे गुणा करें, जेड माइनस एक्स माइनस वाई से, और फिर जमा, इसको इसमें जोड़ना है, जमा दो वाई जेड माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। तो आप भी ध्यान दिया करो बच्चों, अगर कहीं गई गलती होती है बता दिया करो, ठीक है। तो दो एक्स को पहले जेड से करेंगे, तो आप लिखोगे दो एक्स जेड, दो एक्स जेड माइनस एक्स को एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, तो दो एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स वाई, फिर जमा,
अब इस दो वाई को इनसे गुणा करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपके पास दो वाई जेड माइनस दो वाई स्क्वायर माइनस दो एक्स वाई। वाई एक्स हो चाहे एक्स वाई हो, एक ही बात है। अब दो देखिए, इनमें जो सेम चीजें है ना वो आपस में जोड़ देंगे, जैसे एक्स जेड है यहाँ पे, तो इधर एक्स जेड कहीं, ये एक्स एक्स वाई है, एक्स जेड और तो नहीं है कोई, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे दो एक्स जेड। फिर एक्स स्क्वायर है क्या कोई, एक्स स्क्वायर नहीं है, इसको ऐसे लिख लो माइनस दो एक्स स्क्वायर। एक्स वाई, एक्स वाई ये माइनस दो एक्स वाई, ये भी माइनस दो एक्स वाई, कितने एक्स वाई हो गए माइनस के चार, तो माइनस चार एक्स वाई हो गए। फिर है वाई जेड जमा दो वाई जेड, ठीक है, और माइनस दो वाई स्क्वायर, तो ये आंसर है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास सी पार्ट भी है, ठीक है, सी पार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। देख सी में देखिए क्या है, चार एल दस एन माइनस तीन एम जमा दो एल में जोड़ना है, घटाना है, अब ये क्या करना है, दो घटाना, माइनस तीन एल एल माइनस चार एम जमा पांच एन, ठीक है, तो घटाने के लिए हमने यहां माइनस लगा दिया, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, चार एल को इन अंदर गुणा करेंगे तीनों से, तो चार दहा चालीस एल एन एल एन, फिर माइनस चार तीय बारह एल एम, फिर चार दूनी आठ एल स्क्वायर, एल गुणा एल एल स्क्वायर। फिर माइनस तीन को ना अंदर गुणा करते थोड़ा ध्यान देना है, जैसे माइनस तीन एल गुणा एल, तो माइनस तीन एल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस तीन एल स्क्वायर। फिर माइनस और माइनस ये गुणा होके जमा हो जाएंगे बच्चे, दो माइनस है ना, तो जब दो माइनस होते हैं गुणा होके जमा हो जाते हैं, तो चार तीय बारह जमा बारह एल एम, इस माइनस तीन एल को माइनस चार एम से गुणा किया तो जमा बारह एल एम आ गया। अब माइनस तीन एल को जमा पांच एन से गुणा करेंगे तो माइनस पंद्रह एल एन आ जाएगा, माइनस पंद्रह एल एन, ठीक है। अब सेम जो है, जैसे ये एल एन है और ये भी एल एन है, ये जमा का चालीस है, ये माइनस के पंद्रह है, तो कितने रह जाएंगे, जमा के पच्चीस, तो यहाँ जाएगा बच्चों पच्चीस एल एन, ठीक है, यानी ये वाला और ये वाला हमने जोड़ दिया। फिर एल एम और एल एम, ये देखो माइनस के बारह एल एम है, ये जमा के हैं, तो ये तो आपस में कट गए। फिर आठ एल स्क्वायर माइनस तीन एल स्क्वायर, कितने एल स्क्वायर रह गए, जमा के आठ है माइनस के तीन है, तो जमा के पांच एल स्क्वायर, बस और तो नहीं बचा कुछ, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। अब हम डी पार्ट कर लेते हैं, ये रह गया एक डी पार्ट, ठीक है। तो डी में देखिए, फोर सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, फोर सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और तीन घटाना है बच्चों, ये घटाना है तो माइनस लगा देंगे आगे, माइनस तीन है घटाना है तो माइनस लगा दिया हमने, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो आप वैसे ही करेंगे, चार सी को इनसे करेंगे, तीन ए को माइनस तीन ए को इनसे करेंगे, तो चार सी का मतलब है यहाँ पे माइनस चार ए सी, फिर आ गया जमा चार बी सी और जमा चार सी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस तीन ए स्क्वायर
माइनस तीन ए बी माइनस तीन ए सी। अब जो ए सी है बी सी है उनको सेम जो टर्म्स है उनको ऐड करेंगे, तो सेम टर्म देखें ए सी है और भी कोई ए सी ठीक है, माइनस चार ए सी माइनस तीन ए सी माइनस सात ए सी बी सी और नहीं है कोई, तो जमा चार बी सी लिख देंगे। सी स्क्वेयर नहीं है कोई भी, जमा चार सी स्क्वेयर और माइनस तीन ए स्क्वेयर भी कोई नहीं है ठीक है, और माइनस तीन ए बी तो नहीं है, बी ए या ए बी, माइनस तीन ए बी, तो ये आंसर है बच्चों आपका बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, कर लीजिए, होगी एक्सरसाइज ठीक है बच्चों। तो इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन थे, आशा है आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको समझ में आए हैं तो आप इसे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि नहीं किया, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें बच्चों ठीक है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।